हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको की अपकमिंग स्मार्टफोन पोको F4 5G के बारे में, जो कि 23 जून को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और इस स्मार्टफोन की लॉन्च इवेंट आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे शाम 5 बजे देख सकते हो। तो ये बताया जा रहा है कि रेडमी K40S, जो कि चाइना में मार्च में लॉन्च किया गया था, वही फ़ोन को रिब्रांड करके इंडिया में पोको F4 5G नाम से लाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पोको X4 5G की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इंडिया प्राइस के बारे में। और उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो पोको F4 5G के सामने की तरफ हमें एक टॉप सेंटर्ड पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा, जो कि स्लिम बेजल के साथ आएगी, और साइड की तरफ एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा, और पीछे की साइड एक ट्रिपल कैमरा सेटअप विथ रेक्टेंगल कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। आगे डिस्प्ले की बात करें तो पोको F4 5G पे हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। साथ ही HDR 10 प्लस की सपोर्ट भी दिया जाएगा, और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स तक होगी, जो कि काफ़ी अच्छी आउटडोर ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगी। और साथ ही DCI-P3 की कलर गैमेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट कैमरा की बात करें तो पोको F4 5G पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करेगी, और ये कंफर्म हो चुकी है। और साथ ही हमें 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 9 मेगापिक्सल की मैक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है, और सामने सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो पोको F4 5G पे हमें स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, और अगर आप लंबे समय तक गेम खेलते हो तो उसे भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगी। और साथ ही फ़ोन के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए लिक्विड कूल 2.0 टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा, और साथ ही अप टू 12GB रैम और अप टू 256GB स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल होगी। आगे सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमें इस फ़ोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 13 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। बैटरी की बात किया जाए तो 4520 mAh की बैटरी दिया जाएगा, जो कि 65 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। और अब फाइनली प्राइस की बात करें तो रूमर्स के हिसाब से इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस 26,999 हो सकती है, बट ऑफिशियल प्राइस लॉन्च के दिन 23 जून को ही पता चलेगा। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।